अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह मैं कंटेंट और आपके लिए लेकर के आया हूँ। तो आज का जो कंटेंट है, जैसा कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि अनलॉक टूल के बारे में, तो अनलॉक टूल के बारे में सारा फुल डिटेल दूंगा, क्या अपडेट है और कैसे डाउनलोड करना है, कैसे सारा चीज़, ये मैं सब कुछ इस वीडियो में कवर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो में कैसे डाउनलोड करना है, उसके बारे में क्या अपडेट्स हैं, और लास्ट में फाइनली ये टूल आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, ये मैं इस वीडियो में मेंशन करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप लास्ट एंड तक देखिएगा, तब जाके आपको प्रॉपर समझ में आएगा कि एक्चुअल में हमें लेना है कि नहीं लेना है। और काफ़ी प्रैक्टिकल वीडियो मैं इस टूल के ऊपर भी डाल रहा हूँ, काफ़ी प्रैक्टिकल वीडियो भी इस टूल के ऊपर मैं डाल रहा हूँ हमेशा, और हमेशा ये डेली अपडेट हो रहा है, डेली नए नए मॉडल्स ऐड हो रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में पूरा कवर करने वाला हूँ फ्रेंड। तो वीडियो को आप लास्ट दिन तक जरूर देखिएगा, तब जाके आपको प्रॉपर समझ में आएगा। और आप हमारे चैनल में अगर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को दबा लीजिएगा, जिससे हमारे नए नोटिफिकेशन आप मिलते रहेंगे। तो चलिए वीडियो को देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि आपको इसे सेटअप को डाउनलोड कैसे करना है। तो क्योंकि काफ़ी सारे सवाल होती हैं कि वीडियो में सर ये कहाँ से डाउनलोड करना है, कैसे यूज़ करना है, सारा चीज़। मैं जो भी वीडियो बनाता हूँ तो थोड़ा सा बड़ी होती है, पर मैं लॉन्ग टर्म और स्टेप बाय स्टेप बनाता हूँ। तो आपको सीधा अनलॉक टूल डॉट नेट लिखना है, तो उसके आप अनलॉक टूल के साइड में आप पहुँच जाएंगे, जैसा कि आप ये देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे अनलॉक टूल साइड में पहुँच चुका हूँ, तो इनका देख सकते हैं आप, डेली का अपडेट आता है फ्रेंड, यहाँ पे डेली अपडेट करते हैं। मेन जो अपडेट है देख सकते हैं, सौमी का, इन्होंने मीडिया टेक का अनलॉक बूट लोडर का सपोर्ट किया हुआ, रेडमी K30, K Note 10S, ये सारे मॉडल जो इनका अपडेट है फ्रेंड, आप देख सकते हैं अभी हाईलाइट हुआ था जो पेज, ये सारे मॉडल इन्होंने अपडेट किया है। मैं यहाँ तक भी बताऊंगा कि कौन से मॉडल सपोर्टेबल है, कौन से मॉडल सपोर्टेबल नहीं है, मैं सारा चीज़ ये भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे देने वाला हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे ये मॉडल इन्होंने ऐड किया है, और सबसे अच्छी बात ये है कि एक ही टैब में, अभी तो मैं ये ऐसा नहीं है, मैं अभी आपको टूल खोल के दिखाऊंगा प्रैक्टिकली तौर से, यहाँ पे सारा चीज़ ओपन करके दिखाऊंगा कि ये चीज़ें इंटरफेस है कि नहीं है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे फ्रेंड, ये जो हमारा है, एक ही आपको सेटअप में कोई भी डोंगल यूज़ नहीं करना है, कुछ भी यूज़ नहीं करना है, और आपका यहाँ पे आप देख सकते हो सारे इंटरफेस यहाँ पे आपको देखने को मिल जाते हैं। ये देखिए मैं जो दिखाना चाह रहा था, 99, ये सारे मॉडल को इन्होंने अनलॉक किया हुआ है। यहाँ पे बूट लोडर देख सकते हैं, अनलॉक बूट लोडर, आप इसके बूट लोडर को अनलॉक कर सकते हैं इजिली ईडीएल टेस्ट पॉइंट से, आप देख सकते हैं। चलिए तो मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ कि इसमें कौन कौन से मॉडल, अब देखिए डाउनलोड, अगर आपको डाउनलोड पे जाना है तो आप यहाँ पे डाउनलोड पे जाएंगे, ये देख सकते हैं यहाँ पे इनका डेली का अपडेट, यहाँ पे जो अपडेट इन्होंने किया हुआ है, आज मैं तारीख बता दूँ, आज 10 है, पर 9 तारीख को आज का अपडेट आना बाकी है, पर ये 9 हमारा जो है, और यहाँ पे देख सकते हो इतने सारे मॉडल इन्होंने ऐड किए हुए हैं, ये देख सकते हैं डेली का ये अपडेट है इनके पास, क्या क्या ये इंटरफेस को। आप सैमसंग की जो बात करें, केजी लॉक के ऊपर मैंने ये वीडियो बनाया हुआ है, आप केजी लॉक के ऊपर भी जा करके इस वीडियो को देख सकते हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो। आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं यहाँ पे सैमसंग के मॉडल भी यहाँ पे FRP टेस्ट पॉइंट से रिमूव हो जाएगी फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो गैलेक्सी J7 IV, ये सारे चीज़ जो भी क्वालकॉम और मीडियाटेक से रिलेटेड होगा वो यहाँ पे हो जाएगा। Nokia 8A इन्होंने भी FRP रिमूव का एड इन्होंने डाल दिया है। Xiaomi Note 10, यहाँ पे सारा चीज़ यहाँ पे फॉर्मवेयर सब कुछ यहाँ पे इंक्लूड कर दिया है। अब यहाँ पे दो साइडों से आप डाउनलोड कर सकते हैं, आप डाउनलोड गूगल ड्राइव या मेटा फेयर से आप यहाँ पे जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं फ्रेंड इसके सपोर्ट मॉडल्स की। तो आप सपोर्ट मॉडल में ये पता कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से मॉडल हमारे काम होंगे कि नहीं होंगे। तो जैसे हम यहाँ पे सपोर्ट मॉडल पे क्लिक करते हैं फ्रेंड, सपोर्ट मॉडल पे क्लिक करने के बाद देख सकते हैं सारा यहाँ पे आपको दिखाई देगा, यहाँ पे MI, सैमसंग, हवाई, ओप्पो, वीवो, ये सारा चीज़ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, लेनोवो। तो अगर हम MI की बात करते हैं तो MI पे हमने टच किया हुआ है, तो MI के देख सकते हैं MI 6, MI 8 और MI 8 Pro, ये सारे मॉडल्स यहाँ पे, जो लेटेस्ट मॉडल की अगर हम बात करें तो लेटेस्ट मॉडल की अगर हम बात करें फ्रेंड, तो वो लेटेस्ट मॉडल यहाँ पे सारे मॉडल हैं यहाँ पे, और यहाँ पे पोचो का भी ऐड कर दिया है उन्होंने सारा, यहाँ पे देख सकते हो ऑथ SDM660 भी, सौमी ऑथ इन्होंने ऐड कर दिया, फैक्ट्री रिसेट, और यहाँ पे सारा चीज़ इंक्लूडेड हो जाएगा, जैसे Note 5 Pro, Note 7, यहाँ पे MI Max 3, Note 6 Pro, ये सारे मॉडल जो हैं SDM660 के जो CPU टाइप होता है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे Qualcomm CPU है, यहाँ पे देख सकते हैं इन्होंने ऐड कर दिया है। तो ये टूल वाकई में बहुत अच्छा है, यहाँ पे देख सकते हैं Redmi K20 भी यहाँ पे इन्होंने ऐड कर दिया, तो K20 का आप रिपेयर नेटवर्क कर सकते हैं, और यहाँ पे MI Cloud MI Account रिमूव कर सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं जो जो यहाँ पे टैब यूज़ होगा वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और हम बात करें K20 Pro में हम केवल यहाँ पे MI Account रिमूव कर सकते हैं फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, और Note 8, Note 9C, ये सारे चीज़, K30 5G भी पोचो
यहाँ पे डाउनलोड इन्होंने कर दिया है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे एम आई अकाउंट आप बहुत इजी तरीके से रिमूव कर सकते हो। इसका वीडियो मैं आपको प्रैक्टिकल दूंगा फ्रेंड, आप इस वीडियो में बने रहेंगे। मैं इसका वीडियो आपको प्रैक्टिकल तौर से दूंगा कि K20 K30 का एक्चुअल में रिमूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। मैं प्रैक्टिकल नेक्स्ट वीडियो में जरूर अपलोड करूंगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे नोट 10, मतलब ये हमारे सारे मॉडल यहाँ पे एड है। यहाँ पे अगर नीचे आप जाएंगे तो सारे हमारे मॉडल यहाँ, पोचू X3 का भी इन्होंने मीडियाटेक से रिलेटेड है, जिसकी FRP और फैक्ट्री से आप कर सकते हो। अगर हम सैमसंग की और अगर ओप्पो की बात करें, यहाँ पे हर एक मॉडल को हम देख के नहीं, हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे सारा चीज़ इसके सेटअप में। तो इससे पहले हम सेटअप को खोल देते हैं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो इसलिए हम सेटअप, ये देखिए हमारा डाउनलोडेड है और इसको हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। जब तक ये ओपन होगा तब तक हम उसको हाईलाइट कर देते हैं फ्रेंड। इसको हम कर देते हैं मिनिमाइज और इसको भी कर देते हैं हम मिनिमाइज। ये हमारा सेटअप जब तक खुलेगा तब तक यहाँ पे इसको हम कंप्लीट कर देते हैं। तो ओप्पो के मॉडल आप देख सकते हैं। अब देखिए एक चीज, ये तो सारी चीज डली हुई है, आप वहाँ पे यूट्यूब पे फिर इसके साइड में भी जाके देख सकते हो। मेजर चीज ये है कि आप इसमें क्या क्या कर सकते हो। ऑथ फ्लैश, मतलब इस टूल से आप फ्लैशिंग कर सकते हो। और जो नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगा, यहाँ पे जो बनाने वाला हूँ कि केवल 3 डोंगल, 3 टाइप्स के डोंगल। ये देखिए हमारा सेटअप भी यहाँ पे अनलॉक टूल यहाँ पे खुल चुका है। यहाँ पे आपको सिंपल सा एक यूजर नेम और पासवर्ड डालना होता है, जो कि आपको केवल कोई भी डोंगल यूज नहीं करना है। आप यहाँ पे सीधा आप देख सकते हो, और यहाँ पे और सीधा सीधा आप लॉगिन पे क्लिक कर देना है। आपका ये एक्टिवेट होना चाहिए और यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन हमारा शो कर रहा है, तो हमने इसको लॉगिन कर दिया। अब ये हमारा खुलता रहेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी लेटेस्ट फोन Reno 3 Pro, जो कि मैं यूज करता हूँ Reno 3 Pro, ये है। इसका भी कभी बनाएंगे वीडियो, Reno 3 Pro। यहाँ पे आप देख सकते हो, इसका आप फ्लैश तो इस मॉडल पर नहीं कर सकते हो क्योंकि इन्होंने ऑथ यहाँ पे नहीं डाला हुआ है। बाकी इसकी फैक्ट्री रेस कर सकते हो और MTK मेटा मोड से। और हम बात करें यहाँ पे जो भी लेटेस्ट मॉडल है F7, ये देखिए जो यहाँ पे ऑथ फ्लैश लिखा हुआ है फ्रेंड, मैं एक चीज आपको रिमाइंड करना चाहूंगा, ऑथ फ्लैश लिखा है मतलब F7 इस टूल से फ्लैश हो जाएगा, कोई भी एरर नहीं आएगा। अगर हम बात करें Reno 5, तो Reno 5 भी फ्लैश नहीं होगा पर फैक्ट्री रिसेट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम बात करें जो भी लेटेस्ट मॉडल है, यहाँ पे हमारे Reno 3 5G, यहाँ पे इसको हम फ्लैश नहीं कर सकते हैं। ये सारी चीजें देखिए फ्लैश, ये हम ओप्पो का X, ये 5 इसके फ्लैश कर सकते हैं। सारी चीजें यहाँ पे हम कर सकते हैं, बहुत अच्छा टूल है। ऐसे ही आप अगर जाएंगे फ्रेंड तो यहाँ पे वीवो में भी, अब मैं यहाँ पे इसका टूल खुल चुका है तो टूल का इंटरफेस आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। बाकी लास्ट में आपको ये बताऊंगा, देखिए अब ये हमारा टूल ओपन हो चुका है फ्रेंड, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हो ये हमारा टूल ओपन हो चुका है। ये थोड़ा सा मैं इसको छोटा करने की कोशिश करता हूँ, चलिए ठीक है। देखिए तो ये हमारा एक ही टैब में फ्रेंड्स, एक ही टैब में सारा कुछ इंक्लूडेड होता है। MI जो अपडेट है, ये डेली का अपडेट यहाँ पे देख सकते हो, डेली का अपडेट यहाँ पे आता रहता है। आप यहाँ पे डेली का जब अपडेट देखोगे फ्रेंड, तो ये इतने सारे सपोर्टेड वन क्लिक में इन्होंने दिया रखा है। यहाँ पे ये सारा अपडेट जैसे हमने वहां पे पढ़ रहे थे, वही अपडेट यहाँ पे भी सारा मेंशन किया हुआ है फ्रेंड। आप ये देख सकते हो कि यहाँ पे MI में आप फ्लैशिंग कर सकते हो, MI कार्ड हटा सकते हो, और यहाँ पे सैमसंग में भी आप टेस्ट पॉइंट से इसकी FRP रिमूव कर सकते हो। और यहाँ पे ओप्पो ओप्पो और होनर की बात करें, तो यहाँ पे होनर में आप उसकी होनर ID हो चाहे उसकी FRP हो, बहुत इजी तरीके से 1 पॉइंट इसमें बेसिस पे आप हटा सकते हो। जैसे कि आप देखो हाई सिलिकॉन किरेन का जो CPU लगा रहता है, हाई सिलिकॉन 1.0 से आप यहाँ पे टैप्स काम कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ओप्पो की बात करें, तो ओप्पो में भी काफी सारे मॉडल्स यहाँ पे डले हुए हैं। जैसे मैं ओप्पो की बात करूँ तो ओप्पो में भी ये देखिए काफी सारे मॉडल को आप यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से, मतलब कहने का मतलब फ्रेंड्स ये है कि एक टूल में आप सारा काम कर सकते हो। बहुत अच्छा ये टूल है, अभी ट्रेंडिंग में टूल चल रहा है सॉफ्टवेयर का। उसके बाद वीवो स्मार्टफोन, अगर ये टूल आप लेना चाहते हैं, अगर आप लेने की सोच रहे हैं फ्रेंड, तो मेरा रिकमेंड है आप बिल्कुल इस टूल को परचेज कीजिए। बहुत ही पैसा वसूल टूल है, मेरा कहने का मतलब ये फ्रेंड, ये टूल जो है पैसा वसूल टूल है। हर एक डेली डेली नए मॉडल्स ऐड हो रहे हैं। मैं इसके काफी प्रैक्टिकल वीडियो भी आपके ऊपर डालने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी मैं नेक्स्ट वीडियो भी डालने वाला हूँ कि कौन सा 3 टूल में आपका सारा सॉफ्टवेयर हो जाएगा, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में मेंशन करूंगा। आप यहाँ पे देख सकते हो नोकिया, लेनेवो, मीडियाटेक का पर्सनल टैब दिया हुआ है। मैंने अभी केजी लॉक का वीडियो डाला हुआ था, ये जो केजी लॉक है फ्रेंड, आप यहाँ पे देख सकते हो केजी लॉक सैमसंग, इसके बारे में मैं वीडियो डाला हूँ। आप आई बटन में जाकर के वहां से भी वीडियो देख सकते हो। बाकी यहाँ पे आप फ्लैशिंग, अभी मैं नेक्स्ट वीडियो पूरा प्रैक्टिकल वीडियो डालने वाला हूँ, जैसे वीवो के Y90i को कैसे फ्लैश करेंगे, तो इस टूल से मैं यहाँ पे वीडियो डालने वाला हूँ। 6A क्या क्या कैसा करना है, सारा चीज़ यहाँ पे वीडियो का मेंशन मैं करने वाला हूँ। यहाँ पे बहुत अच्छा टूल है फ्रेंड, मुझे तो बहुत अच्छा लगा। और आप मेरी रिकमेंड लेना चाहते हैं कि इस टूल को आप परचेस कर रहे हैं, क्योंकि ये वन टैब में, क्योंकि एक टैब में आपको सारा इंटरफेस मिल जाता है और सारा एक ही टूल में आपको देखने को मिल जाता है। तो आई होप अगर आप
फिर सवाल है कि ये टूल हमें लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। बहुत इजी वर्क करता है और 100% काम करता है, तो मेरे रिकमेंड से आप बिल्कुल ये टूल ले सकते हैं। बहुत ही बेस्ट टूल है। मैं इसके और भी वीडियो बनाऊंगा और लाइव प्रैक्टिकल वीडियो मैं बनाऊंगा, और कमेंट करके आप बताइएगा कि पर्टिकुलर आपको किस टैब पे काम सीखना है, तो मैं पर्टिकुलर एक टैब पे भी हम वीडियो में बना दूंगा। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ये मैं रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप ये टूल लीजिए, बहुत ही बेस्ट टूल है फ्रेंड। आप इस टूल को बिल्कुल ही परचेज कर सकते हो जो कि 100% वर्क करता है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और भी जो आपको चाहिए, मैं इसको जो टैब है फ्रेंड, जिससे इसके टैब की मैं बात करूं, एडीबी फास्टबूट टेस्ट पॉइंट रिवाइज मैनेजर, ये सारा चीज यहाँ पे आप कर सकते हैं बहुत ही इजीली तरीके से। बहुत अच्छा टूल है, बहुत अच्छा काम करता है। मैं अभी 91 का एक वीडियो दूंगा, या हो सकता है मैं टूल का वीडियो दूं कि कौन सा टूल आपको यूज करना चाहिए, नहीं तो मैं 90i का एक फ्लैशिंग का वीडियो नेक्स्ट वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा तो लाइक और कमेंट और सब्सक्राइब वाला बटन जरूर दबाएगा। थैंक यू सो मच।